सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शेफ़ इकबाल शाह, आप देख रहे हैं शेफ़ 21। रोज़ाना की तरह आज भी लाइव मौजूद हैं, डेली 6 से 7 लाइव, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक इस शो में, जहाँ आपको ऑफकोर्स बेस्ट रेसिपीज मिलती हैं। दोस्तों ज़िंदगी जो होती है ना, हमें ज़िंदगी में दर्द तकलीफ़ या हम परेशान कब होते हैं, जब लाइफ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। लेकिन हकीकत ये कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। हर नए रोज़ आप डिफरेंट चैलेंजेस देखते हैं, या आप डिफरेंट या मुख्तलिफ चैलेंजेस, डिफरेंट चीज़ें हम ज़िंदगी में फेस करते हैं। ज़िंदगी इसी तरह चलती है, लेकिन उसके बाद आई वुड से कि चाहे जितनी भी 1,000, 1,00,000, 1,000,000 प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अपनी ज़ात पर बिलीव रखते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से चलते हैं, तो ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। इसी बात के साथ खुश आमदीद कहते हैं। रेसिपी जो शेयर कर रहे हैं बहुत ही ख़ास, मीट की दुनिया में अगर चिकन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे जूसी जो पार्ट होता है विंग्स होते हैं। तो मज़े के जायकेदार चटपटे विंग्स बनाएंगे, डिफरेंट रेसिपी है और साथ ही अचार भी मौजूद है, अचारी राइस। और सवाल का बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो सवाल इतना सा, देखिए दोस्तों कि नींद हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। मुनासिब या परफेक्ट सोना, नींद करना, स्लीपिंग ज़रूरी है। लेकिन सवाल इतना सा है कि सबसे ज़्यादा किस मुल्क के लोग सोते हैं, ठीक है जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क के लोग सोते हैं, सबसे ज़्यादा किस मुल्क के लोग नींद करते हैं। जवाब देंगे आप कॉल करके, सिलसिला जारी है, ठीक है जी। तो विंग्स मसाला बना रहे हैं, बिल्कुल देसी रेसिपी। इसके लिए इस पोर्ट के अंदर शामिल करते हैं हम 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप ऑयल ऐड किया। ऑयल के साथ ही जो प्याज अनियन मौजूद है, प्याज को भी हम काट लेते हैं, ठीक है जी। विंग्स की आज कोई हम चाइनीज टाइप की रेसिपी नहीं बना रहे, बल्कि इसे गोरमे स्टाइल का बनाएंगे, बहुत चटपटा, लेकिन चपाती के साथ खाएं या नान, ये आपकी मर्जी है। सिंपली अनियन प्याज रखी, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, डैंड्रफ का खात्मा करती है, वेरी गुड, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, गिरते बालों को ना सिर्फ रोकती है बल्कि बालों को उगाती भी है, ठीक है जी। तो इसके 2 पीस किए और इसके आपने इस तरह से कट लगा लेने, 1, 2, 3 और 4, याद रहे कि फाइन चॉप नहीं करें, रफ चॉप करें, देन उसके बाद इस तरह चॉप कर लेना, ठीक है जी। और कुछ इधर में कॉल्स भी लेंगे, कॉल करके सब बनिए, किस मुल्क के लोग ज्यादा देर सोते हैं, ज्यादा नींद करते हैं, वो कौन सा मुल्क है। अनियन रफ चॉप किए, बिल्कुल बाय, हमने फाइन नहीं काटा। और ये पैन में ऑयल रेडी है, इसमें हम शामिल करते हैं ये प्याज, ठीक है, 1 बिग साइज के हमने प्याज ऐड किए। तो इसकी ग्रेवी जरा चटपटी और बिल्कुल देसी अंदाज में, साथ ही यहाँ पे जो एक चावल की रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं, बॉइल्ड राइस मौजूद है, लेकिन चावल की दुनिया में हम दाल चावल या बाकी चीज़ों के साथ प्लेन राइस रखते हैं, ज़ीरा राइस, मक्खन राइस, बटर राइस, लेकिन आज जो हम बना रहे हैं, यहाँ अचार मौजूद है दोस्तों, बहुत मज़े का मिक्स अचार, जिसकी खटास वैसे ही दिल को ललचाती है। इस अचार का हमने चावल बनाने, अचारी राइस, ठीक है जी, अचारी राइस और विंग्स मसाला, दोनों चीज़ें। और अचार में हम देखेंगे, इसमें देखिए सभी चीज़ें, इसमें मिर्च भी है, ठीक है जी, गाजर वैसे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, ठीक है, नींबू भी है और मिक्स पिकल, बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ मौजूद है। 1 कप ये हम शामिल करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद, पहले ज़रा प्याज को हम कर रहे हैं ब्राउन, तो प्रोसेस बिल्कुल जारी है, ज़रा से और कलर लाना है, मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और कुछ ही देर में देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम,
भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं आप? मैं शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। शहनाज जी कैसी हैं आप? खैरियत है? हाँ खैरियत है भाई। क्या कहेंगी आप? आपका शो हमें बहुत पसंद है। शुक्रिया। बहुत मजे मजे आप रेसिपीज बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमें। शहनाज आप खुद कुकिंग करती हैं? हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन रही हैं? चलिए बहुत शुक्रिया शहनाज, थैंक यू। दोस्तों प्याज को एक तो बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, दूसरा कच्चा रखते हैं। ना ब्राउन ज़्यादा करना है ना कच्चा रखना है, बिल्कुल बीच में से हल्का सा प्याज बस नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और मीट भी हम शामिल करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूसली लाते रहना है ताकि प्याज ज़रा सॉफ्ट तो हो ही चुकी है, देख सकते हैं आप, और इसका कलर अब बदलता जा रहा है। उससे पहले कि इसका कलर कम्प्लीटली बदल जाए, ये विंग्स मौजूद है हमारे पास आधा किलो, वो विंग्स हम बिछा लेंगे प्याज के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पहुँचने के बाद ये विंग्स जो मौजूद है, विंग्स हम ये बिछा लेते हैं प्याज के ऊपर इस तरह से। ठीक है जी, चिकन विंग्स, अगर विंग्स ना हो तो इस रेसिपी को सिंपली आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन विंग्स का अपना ही मज़ा, जायका, टेक्सचर सब कुछ होता है। प्याज के ऊपर इस तरह आपने विंग्स बिछा लेना है। ठीक है जी, सभी विंग्स के हमने पीसेस रखे ये प्याज के ऊपर। और कुछ देर इंतजार करना है, लगभग 30 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड हो ही चुके हैं, 30 सेकंड के बाद इसे हमने टर्न ओवर करना है। पर साथ ही एक और चीज, जब तक 30 सेकंड हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, इसके ऊपर अदरक लहसुन भी ऊपर से आप इस तरह से शामिल कर देना है। पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच फुल हमने शामिल किया। 20 से 25 सेकंड हो चुके मेरे ख्याल से। 5, 4, 3, 2, 1। और देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं लगभग। 30 सेकंड के बाद इस तरह से इसे आपने मिक्स करना है, या टर्न ओवर भी कर सकते हैं, इस तरह से आपने टर्न ओवर करना है। पलटना है ताकि अगली जानिब से भी ये परफेक्टली ब्राउन हो जाए, वो उसका टेक्सचर के साथ कलर आ जाए जो हम चाह रहे हैं। क्विकली देखिए कलर भी चेंज हो रहा है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया, थैंक यू। और सदफ साहिबा जवाब देंगी, वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज़्यादा सोते हैं, और कोई फरमाइश है तो आपकी बताइए। जवाब तो मैं आपको दूंगी अभी, लेकिन पहले मुझे आपकी तारीफ करनी थी। आपकी कुकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और बड़ी ईजी होती है कि हम आसानी से फॉलो कर लेते हैं। कोई रेसिपी आपने ट्राई की? मैंने काफ़ी की है आपकी। चलिए थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा मुझे, मैंने आपसे पहले भी की थी फरमाइश, मुझे वो कढ़ाई गोश्त मैंने बोला था बीफ का, ना बीफ में वो, जी बीफ में। अच्छा एक और चीज है, खीर, आप मुझे खीर भी बनाना सिखा सकते हैं? जी जरूर, हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं कि अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाएं, जरूर बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपका तो शो बड़ा जबरदस्त होता है और बहुत ईजी होती है, कुकिंग बड़ी अच्छी होती है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मुझे जवाब देना था मुझे। जी फरमाइए। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अच्छा जी, ठीक है जी, जवाब भी नोट कर दूं, बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये मीट का देखिए कलर जबरदस्त आ चुका है, ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन, यार इस तरह आप कुक करें तो गोश्त वैसे ही जायकेदार हो जाता है। देखिए अब मजे की खुशबू है। तो सबसे पहले हम शामिल करते हैं इसके अंदर नमक हसबे जायका, ठीक है जी, सॉल्ट हाथ से शामिल कीजिए हसबे जायका। ठीक है जी, नमक के साथ ही यहाँ इसमें हम आगाज ही में शामिल करते हैं दही, तो ऐड करना, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेक है, क्या ब्रेक है? अच्छा कॉलर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। कौन बात करें सर आप? मुजम्मिल बात कर रहा हूँ ली मार्केट से। मुजम्मिल कैसे हो आप, खैरियत है? मैं ठीक हूँ इकबाल भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मुजम्मिल वो कौन सा मुल्क है जहाँ के लोग ज्यादा देर सोते हैं, जवाब देंगे?
हाँ जवाब तो मुझे आता है और एकदम मुझे आपको देखकर भी याद आया, साउथ अफ्रीका। क्या? अच्छा साउथ अफ्रीका, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चूल्हा कर रहे हैं बंद, दुनिया की कोई भी चीज़ ओवर कुक होने ही नहीं चाहिए। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ना सिर्फ ये विंग्स मसाला बल्कि हमने एक ज़बरदस्त राइस भी बनाने हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों। आज इस महफिल में हम बना रहे हैं रेसिपी विंग्स मसाला। चूल्हा बंद किया और अभी इस वक्त देख सकते हैं हम चूल्हा बंद है और अब चूल्हा ऑन किया, ठीक है जी। विंग्स मसाला के लिए जो अज्जा आप देख चुके हैं कि हमने आगाज में ऑयल शामिल किया, ऑयल के साथ प्याज, अदरक लहसुन और विंग्स, सिर्फ नमक शामिल किया था। अब बाकी अज्जा ऐड करते हैं, क्विकली हमने प्रोसेस का आगाज करना है दोस्तों। विंग्स में हमने जो स्पाइसेस शामिल करने हैं वो बिल्कुल देसी हमारे अज्जा, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का, बल्कि एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर, बहुत ज्यादा इसके फायदे भी हैं, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया। याद रहे कि सभी चाय के चम्मच, ठीक है जी, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून। धनिया पाउडर मौजूद है, ये भी आधा चम्मच शामिल किया। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, साथ ही इसमें मिला लेते हैं फ्रेश योगर्ट दही 300 ग्राम, ठीक है जी, आधा किलो चिकन में 300 ग्राम दही। और अब इस तरह से करना है कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सवाल हमने पूछा किस मुल्क के लोग ज्यादा सोते हैं, ज्यादा देर नींद करते हैं, तो जवाब आप दे रहे हैं और सिलसिला जारी है। कलर इसका देखिए, विंग्स मजे की और दानेदार कोरमे टाइप का इसका टेक्सचर आता जा रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं आप। बस चपाती मंगवाइए, अगले 15 मिनट के बाद हम इंजॉय करने जा रहे हैं जबरदस्त रेसिपी और साथ ही हमने अचारी राइस भी बनाने हैं। जवाब दे रहे हैं कॉल करके, और जो दोस्त हमारे फेसबुक की दुनिया में मौजूद हैं जरूर ज्वाइन करें शेफ 21 के नाम से, CHEF और उसके बाद 21, तो एक, ठीक है जी। और YouTube पे तलाश करना चाहें K21 News भी, मुझे अगर तलाश करना चाहें तो उसमें लिखेंगे शेफ इकबाल शाह, अभी ज्वाइन करें एंड थैंक यू साथ रहने के लिए। ऑयल ऊपर आता जा रहा है, खुशबू बहुत ही आला, हमें ज्वाइन कर चुके हैं कॉल पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी रुखसाना जैदी साहिबा, ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और आज भी जबरदस्त आप डिश बना रहे हैं, और स्पेशली जैसे कि कोई भी, जैसे आपने विंग्स लिए हैं सालिस, तो ये भी अच्छी बात होती है कि एक ही चीज का बनाया जाए तो वो डिश में भी एक अच्छा सा चार्म आता है कि जब डिश में निकाला जाए तो एक ही होती है, एक सा सब कुछ होना तो और अच्छा होता है। रुखसाना जी आप कितने घंटे नींद करती हैं, नींद आप पूरी करती हैं आप? हो जाती है 7-8 घंटे, अच्छा 7-8 घंटे हो जाती है। और आपने जो सवाल किया पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ये है कि शायद मुल्क अदम पूछ रहे हैं आप। क्या मुल्क अदम? नहीं नहीं हम कंट्री 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 पूछ रहे हैं, सिर्फ कंट्री, ओनली विच कंट्री? ओ तो वो तो पता नहीं, क्योंकि लगा ले तुक्का हो, क्या पता आपकी जो दिल से आवाज निकले वो दुरुस्त हो जाए। तो पाकिस्तानी लोग सबसे ज्यादा सोते हैं। पाकिस्तानी लोग, अच्छा उसके पास उसने का नाम नहीं लेते। हाँ ये बात तो दुरुस्त है आपकी, चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। ऑयल ऊपर आता जा रहा है, दानेदार कोरमा, जरा हम चाहेंगे कैमरे की नजर से देखें आप, जहां ये दानेदार कोरमा टाइप का सालन बन रहा है विंग्स मसाला का, और साथ ही मीट इसका जूसी यमी टेम्पटिंग, ये बिल्कुल हो रहा है तैयार। ऑयल ऊपर आता जा रहा है, जरा से मिक्स कीजिए। इस पॉइंट पर जब ऑयल ऊपर आने लगे, ठीक है जी, तेल ऊपर आने लगे, तो बहुत ही खास शाही पिसा हुआ गर्म मसाला, ये आधा चम्मच हम टॉप पर शामिल करते हैं।
खुशबू के लिए, ठीक है जी। खुशबू के लिए हमने हाफ टी स्पून ये गरम मसाला ऐड किया और कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड कर लेते हैं इसी के अंदर। ऊपर आपने इस तरह बिछा लेनी है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है जी। ज़रा सा हरा धनिया इसे भी चॉप कर रहे हैं और लेट्स सी कौन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं आप? जी जी आवाज़ आ रही मैडम, कैसे हैं आप? हेलो ठीक है जी। और अगर आपको डाउट हो कि यार ये नहीं गल रहा तो कुछ देर के लिए आप इसे कवर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास कवर करने का। तो बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, जस्ट 30 सेकंड से एक मिनट तक से कवर करना है। उसके बाद ये सॉफ्ट जूसी यमी विंग्स हो चुके होंगे तैयार। चावल की एक अचारी राइस बना रहे हैं, जो आप दाल चावल के लिए हम दाल अलहदा रखते हैं, चावल अलहदा होता है, अचार अलहदा, लेकिन अचारी चावल आप बना सकते हैं जो खटास होगी बट बहुत मजे के। धनिया मौजूद है, चॉप कर लेते हैं हरा धनिया फाइन या नॉर्मल, इस तरह से आपने चॉप किया, ठीक है जी। और विंग्स हमारे दोस्तों ये बहुत मजे के हो चुके हैं तैयार, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से एक और ब्रेक भी है और ये देख सकते हैं हम, ठीक है जी। दोस्तों ये विंग्स का प्रोसेस जारी है, जरा सा बिल्कुल टेंडर गला लेना है, चूल्हा कम रखिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहें तो आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं और अगर आपका डिश दिल कर रहा है कि आप चावल के साथ एंजॉय करें राइस के साथ, तो इस तरह भी अचारी चावल के राइस के साथ भी इसे आप बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो प्रोसेस जारी है, देखिए दानेदार, बल्कि मैं चाहूँगा इसे जरा सा चख लें, ठीक है जी, क्योंकि चखने से आपको बेहतर आइडिया भी होता है। और ये देखिए इसका दानेदार फ्लेवर है, लेकिन मजे का लग रहा है काफी। दोस्तों दही की खटास, मिर्च की तेजी और गरम मसाले का इतना मजे का फ्लेवर अच्छा है, जिसके लिए आई थिंक मेरे अल्फाज बयान नहीं कर पाएंगे कितने मजे का। आप जरूर ट्राई करें और फीडबैक दीजिए, मजे का हमारा सालन तैयार होने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं गला नहीं गला, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि ये मीट का इसका टेक्सचर कहाँ तक पहुंचा आप। तो ये देखिए आप गोश्त अंदर तक ये सॉफ्ट और गल चुका है, ठीक है जी। तो डिश चूल्हा करते हैं बंद और ये डिश प्रेजेंटेशन करते हैं, पर उससे पहले एक वक्फा है और वक्फे के बाद हमने जबरदस्त चावल की रेसिपी भी शेयर करनी है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों, और खुशी की बात ही हमारे ज़बरदस्त दानेदार विंग्स हो चुके हैं तैयार। करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन, और जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया आपको बताएं, विंग्स मसाला साथ ही बहुत ही खास अचारी राइस बना रहे हैं। सवाल आपसे पूछा है कि किस मुल्क के लोग ज़्यादा सोते हैं, और ये देखिए दानेदार विंग्स हो चुके हैं तैयार। सीमा जी आ चुकी हैं, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए सीमा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, न्यूजीलैंड है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है। और शेफ मुझे चॉकलेट मूज की रेसिपी आप कब तक बताएंगे? चॉकलेट मूज जी जी, चलो इंशाल्लाह जल्द बना रहे हैं आपके लिए सीमा, जरूर। अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी दोस्तों, और ये विंग्स हो चुके हैं तैयार। वैसे रेसिपी या मीट कोई भी हो, लेकिन उसका जूसी जायकेदार होना बहुत ज़रूरी होता है। हल्का सा धनिया ऐड किया, चूल्हा करते हैं बंद और ये हमारे विंग्स मसाला ये देखिए वाह जी वाह हो चुके हैं तैयार। गोश्त मीट हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है, टेंडर है और
मिर्च का भी इसमें देखिए आपको टेक्सचर नजर आएगा। ठीक है जी, फेसबुक की दुनिया में जो ज्वाइन करें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मिर्च दानेदार विंग्स मसाला, चाहे आप चपाती के साथ खाएं या फिर अचारी चावल, इस चीज़ का इंतखाब आपने करना है। लेकिन अगले 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम इसे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी मज़े का रेसिपी हो चुकी है तैयार। ठीक है जी, हल्का सा मेरे ख्याल से जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी कुजीन की या मसालों की बात करते हैं तो हल्का सा ऑयल का ऊपर होना तो ज़रूरी है। देखिए ठीक है जी, हो चुकी है तैयार। गार्निश के लिए ज़रा सा ग्रीन कोरिएंडर टॉप पर ऐड किया और इसे रखते हैं यहाँ। अब इस पोट में, इस पतीली में हम बनाने जा रहे हैं अचारी राइस। ठीक है, चावल अचार वाले, और जस्ट आइडिया लीजिए और खटास होगी बट मज़े के। इसके लिए शामिल करते हैं हम 3 चम्मच ऑयल। ठीक है जी, 3 चम्मच शामिल किया ऑयल और कुकिंग ऑयल के साथ ही एक छोटे साइज की प्याज मौजूद है। ठीक है, स्मॉल अनियन, इसे हम जरा काट लेते हैं। ठीक है, 2 पीस और इस तरह स्लाइस किया। ऑयल के अंदर ही हमने प्याज ऐड की। याद रहेगा चारी हम चावल बना रहे हैं, जरा से प्याज को हिलाना तक सॉफ्ट हो जाए, प्याज नरम हो जाए। ठीक है जी, प्याज शामिल करने के बाद जरा से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पोर्ट को हम ले आते हैं यहाँ ताकि आप देख सकें कैमरे की नजर से परफेक्टली। चूल्हा कर चुके हैं ऑन, प्याज के साथ ही 1 चम्मच आपने लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टीस्पून शामिल किया। जरा इसे और ब्राउन कर लेना है, खुशबू बहुत मजे की, टेक्सचर भी काफी अच्छा। ठीक है, और जरा सा कलर जैसी आएगा, कलर आने के बाद इसमें 1 कप अचार शामिल करना है। मिक्स अचार, मिक्स पिकल है जिसमें गाजर भी है, मिर्च की खटास, मिर्च भी है और कैरी भी है, लहसुन भी है, सब कुछ है। ठीक है जी, ये 1 कप आपने शामिल करना है। जरा सोचिए, उबले हुए बॉइल्ड राइस, चावल की खटास, विंग्स, एक मज़े का कंप्लीट मेन्यू बनने जा रहा है। ठीक है जी, और ज़िंदगी कितना हसीन लगती है जब अपनों का साथ हो, और लाइफ में मज़ा आता है जब कोई मज़े की रेसिपी। प्याज हो रही ब्राउन, प्रोसेस जारी है। दोस्तों देखिए, अगर आप हमारी किसी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन हमारी किसी चीज़ से, हमारी किसी बात से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप। ठीक है जी, जो ज़रूरी थी। प्याज लहसुन का हल्का सा कलर आया, उसके बाद इसमें हमने 1 कप ये मिक्स पिकल ऐड किया, मिक्स अचार। ज़रा सा गार्निश के लिए आपने रखना है और बाकी हमने इसके अंदर शामिल किया। इस अचार को आपने ज़रा मज़ीद मिक्स कर लेना है प्याज और ये लहसुन अदरक पे। मिक्स करने के बाद ये अचार का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले हाथ से शामिल कीजिए नमक। अगर आपने चावल उबाल बॉयल करते हुए शामिल किया था तो उतना रखिए कि बैलेंस हो जाए। नमक ऐड करते हैं इसी के अंदर, हंसपे जायका, और फिर से ज़रा मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों इस वक्त हम चख तो नहीं पा रहे अचार की खटास, लेकिन जो इस वक्त जो समा बन चुका है इसमें फील हो रहा है कि खटास होगी मज़े की, जो कुछ ही देर में एंजॉय करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम शामिल करते हैं बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल। अच्छा दोस्तों, मिसेस कुरैशी ने इसकी फरमाइश की थी अचारी चावल की, तो आज मिसेस कुरैशी की फरमाइश पे मना रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें बॉइल्ड राइस भी ऐड करते हैं। बहुत से लोग पसंद करते हैं खटास, और चार वाले चावल तो उनके लिए बहुत मजे का। तो ये देख सकते हैं आप, बॉइल्ड राइस भी हम शामिल कर चुके हैं। जितने आप खाना चाहें हैं, जितने आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन ये देखिएगा कि सब अज्जा बैलेंस होना जरूरी है। नमक शामिल कर चुके थे,
लेकिन सचारी राइस में हमने जरा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, कोई आधा चम्मच, और साथ ही जरा सा धनिया भी चॉप किया हुआ शामिल किया, जरा से मिक्स कर लेना है आपने ताकि अचार की खटास चावल के अंदर तक अच्छी आए। ये देखिए अचार ऊपर आ रहा है, देखिए ओहो, ठीक है। अब मिक्स कीजिए ताकि हर जगह आपको फील हो कि अचार का फ्लेवर भी है। प्याज लहसुन अदरक प्रोसेस जा रही है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनेट पे भी, और ये हमारी अचारी राइस कुछ ही देर में तैयार होने वाले हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद काम इतना सा करना है आपने के एक दो ग्रीन चिलीज हमने शामिल की इसके अंदर दो अदद, साथ ही जरा सा हरा धनिया ग्रीन कोरिएंडर, हरे धनिया का ग्रीन पार्ट तो हमने टॉप पर शामिल करना, लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ इसकी डंडियां बारीक काट कर इसके अंदर हमने शामिल की इस चावल के अंदर, और इसे किया कवर सिर्फ एक मिनट के लिए, ठीक है जी। प्रोसेस जारी है, इख्तितामी लम्हात मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है जी, और बाकी चीजों को रिमूव करते हैं। कितना वक्त है किशोर साहब जी, लहसुन अदरक रिमूव किया, और सफाई बहुत जरूरी है, कोशिश कीजिए बर्तनों का इंतखाब सही कीजिए, कुकिंग रेसिपीज की बात नहीं होती सर, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं ये इन सब चीज़ों की अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है जी। और इसका आगाज कुकिंग का परचेजिंग से होता है, अगर आपने परचेजिंग सही किए, मीट अच्छी क्वालिटी का लिया है, वेजिटेबल सही है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर उसके बाद प्रोसेस में भी काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। कवर हटाया और ये चावल दोस्तों बहुत मज़े का फ्लेवर है, और मैं चाहूँगा ज़रा इसे ट्राई करें, एक फोक मौजूद है, ठीक है जी, ज़रा ट्राई करते हैं, ये चावल में खटास होगी डेफिनेटली, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कितनी खटास आपको बताते हैं, और फ्लेवर इसका बहुत ही आला। अचार की जो खटास आ रही है, उस अचार के अंदर कलौंजी भी थी, राई भी थी, और इसमें गाजर नींबू सभी चीजें, तो एक कंप्लीट मजे की है चावल की रेसिपी, जो ना सिर्फ विंग्स के साथ बल्कि दाल भी आप बना रहे हो तो दाल के साथ चावल अचारी बनाइए, तो एक बिल्कुल नई चीज़ आप एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा कॉम्पिटिटिवली। आप जब आखिर में ये जो अचार रखते हैं दाल चावल के साथ, बजाय उसके इसमें आप ऐड करें तो एक नई रेसिपी और अमेजिंग फ्लेवर भी मिलेगा आपको। हुमा नूर ने सलाम भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी जानिब से भी सभी दोस्तों का सलाम, उनका बहुत शुक्रिया जो ना कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं लेकिन रोज़ाना देखते हैं, ठीक है जी। आप सबको सलाम, और ये हमारी मोहब्बत है आप सबके लिए। इस शो के लास्ट 5 मिनट बाकी हैं, और देखिए चावल अंदर तक ये फ्लेवर रचता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, कलर भी इसका जरा सा तब्दील हो चुका है। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अचार के अंदर भी सरसों का ऑयल होता है, जाहिर सी बात है, ये देखिए परफेक्ट आपको फील होगा, ये देखिए, ठीक है, ये आपको मिर्च भी और ये बाकी चीज़ें भी आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है जी। तो प्रोसेस जारी है, विंग्स हो चुके हैं तैयार, और बस गरम गरम एंजॉय करें, बाकी चीज़ों को करते रहें रिमूव। सवाल पूछा किस मुल्क के लोग ज़्यादा देर सोते हैं, नींद करते हैं, लेकिन नींद ज़रूरी है, जिस तरह खाना ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, लेकिन परफेक्ट टाइम होनी चाहिए कि कितने घंटे कितने आवर्स आपने सोना है, ठीक है जी। तो दुरुस्त जवाब है, वो जो मुल्क है वो न्यूजीलैंड ही है, तो सीमा ने दुरुस्त जवाब दिया, और सदफ ने आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हैरत की बात ये कि वो मुल्क जहाँ के लोग ज़्यादा सोते हैं वो सब खुशहाल हैं, कामयाब हैं, ठीक है, उसमें बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सब सोए हैं अब, लेकिन आप देखिए वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लोग उठते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। चावल भी हो चुके हैं तैयार, ऐसे निकाल लेते हैं, वाइट चावल हैं तो रेड प्लेटर में निकाल लेते हैं, विंग्स भी हो चुके हैं तैयार दानेदार, और ये देखिए चावल, अचारी चावल, धुआं उठ रहा है लेकिन इसका अंदर फ्लेवर, इसका देखिए
टास इसमें भरपूर आ चुकी है। इसमें आप चाहें तो दाल मिलाकर एंजॉय करें, ये विंग्स मिलाकर एंजॉय करें, तो यकीनन मजा आएगा। ठीक है जी, अचारी चावल तो ऊपर आपने सभी धनिया बारीक कटा हुआ इस तरह से ऐड किया, तो ये हमारे अचारी चावल, ठीक है, जिसमें अचार का मजा, और ये विंग्स भी हो चुके हैं तैयार। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, बाकी चीजों को कर लेते रिमूव। अच्छा, विंग्स मसाला में अगर आप चाहें तो, अगर आप इसे आप चपाती के साथ खा रहे हैं तो अदरक जरा सी मौजूद है हमारे पास, ठीक है जी, अदरक। बहुत से लोगों का गला खराब है, तबीयत सेट नहीं है, और तो उनसे कहेंगे यार अदरक जरा सी आप चबा लें। ईश्वर भाई आपसे भी कहेंगे अदरक जरा सी आपने ली और रखिए, तो गले के लिए बहुत अच्छी, हाजमे के लिए अच्छी, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी। अदरक इस तरह से पहले स्लाइस कर दें, और फिर उसके बाद अदरक इस तरह आपने हलीम वाले अंदाज में फाइन जूलियन कर लेना, जिस तरह हम निहारी के ऊपर डालते हैं, और ये अदरक भी विंग्स के ऊपर हम शामिल करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेते हैं इजाजत, थैंक यू सो मच। और ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज, जहां विंग दानेदार विंग्स मसाला, तो साथ ही अचार वाले चावल भी हो चुके हैं तैयार। ठीक है जी, बाकी चीजों को रिमूव, एंड सफाई डेफिनेटली जरूरी है। थैंक यू सो मच, रोजाना 6 से 7 लाइव होते हैं हम, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। खुश रहें, शाद आबाद रहें, जरूर ट्राई करें, और जिंदगी भरपूर गुजारिए। हम नहीं जानते कि कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, इसमें सिर्फ कोई इनकार नहीं कर सकता, तो जितना वक्त अल्लाह ने दिया है कोशिश जरूर कीजिए कि यार से अच्छा गुजारें। खुश रहें, शाद आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।